जिले की सभी 6 सीटों पर रविवार को आए विधानसभा चुनाव अप्रत्याशित नजर आ रहे हैं। जिले में एक बार फिर जनता 2013 का परिणाम दोहराते हुए नजर आई। जनादेश दोनों दलों को बराबर मिला है। खरगोन बड़वाह महेश्वर में जहां कमल खिला तो वहीं भगवानपुरा भिनगांव और कसरावद में हाथ को जनता का साथ मिला है। समाचार लिखे जाने तक इन सभी 5 सीटों पर मतगणना के सभी राउंड पूरे हो चुके थे, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ। कसरावद में गिनती जारी रही, जबकि भिनगांव का परिणाम रिकाउंटिंग के चलते घोषित नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में खरगोन सीट हमेशा चर्चा का विषय रही है। इस सीट पर लगातार 4थी बार जहाँ भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार प्रत्याशी रहे, पाटीदार के सामने 3री बार कांग्रेस के रवि जोशी ने मैदान संभाला। दोनों के परिणाम एक एक के बराबरी पर थे। पहली बार 2013 में पाटीदार ने जोशी को हराया था, तो दूसरी बार जोशी ने 2018 में पाटीदार को शिक्षत दी थी। इस शिक्षत को दूसरी बार जोशी दोहरा नहीं पाए। राउंड वन की बात करें तो भाजपा की शुरुआत बढ़त अंक तक बनी रही। खरगोन विधानसभा भाजपा बालकृष्ण पाटीदार कुल मत 1,01,683, कांग्रेस रवि जोशी कुल मत 87,978, भाजपा के पाटीदार जीते जीते का अंतर 13,765। कसरावद में भी राउंड 17 तक आगे रहे कांग्रेस प्रत्याशी, जिले की एकमात्र कसरावद विधानसभा के कांटे की टक्कर रही। यह करीब 12 राउंड तक भाजपा के आत्माराम आगे रहे। इसके बाद कांग्रेस के सचिन यादव बढ़त हासिल करते रहे। अंत में बाजी कांग्रेस सचिन यादव ने बढ़त बनाना शुरू की है। कसरावद में 17 राउंड की गिनती में कांग्रेस के सचिन यादव आगे रहे। कांग्रेस के 17 राउंड में 95,685 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 91,732 वोट मिले हैं। फिलहाल यादव 3,953 वोट से आगे चल रहे हैं। दोपहर बाद जैसे जैसे रुझान सामने आते रहे, प्रत्याशियों के समर्थक जुटने लगे। इस बार मतगणना केंद्र से करीब 200 मीटर की दूरी तक आवाजाही बंद की गई थी, जिसके चलते बीस्टर रोड तिराहे पर समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की खुशी मनाने के लिए जुटे। फूलमाला ढोल ताशे डीजे के लिए समर्थकों की भीड़ दोपहर बाद जमने लगी थी। हबीब आजाद की रिपोर्ट। जनक मांगने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए नहीं, मैं केवल अभी खरगोन विधानसभा का मेरे को नॉलेज में है, क्योंकि मैं उस गिनती से निकल के आ रहा हूँ। बाकी जगह का मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए खरगोन का जरूर निराशाजनक रहा है। जो अपेक्षा थी वैसे खरे नहीं। कहीं ना कहीं जो है लाडली बहना जो योजना थी उसने भी अच्छा करेंगे। काहे की बहना थी, ठीक है, लाडली बहना थी, क्या समीक्षा करें। मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं और विधानसभा के मतदाताओं को देता हूं कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत किया है। ये आपके सामने विरोध भी बहुत हो रहा था, फिर भी आप जीते। जहां बर्तन ज्यादा होते हैं वहां भाजें आती हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना का लाभ मिला हमें? बिल्कुल, सीएम साहब की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, विशेषकर लाडली बहना की योजना का भी लाभ मिला है। जीत हुई आपकी एक बार और? यह निश्चित तौर पे पूरी विधानसभा के मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का असीम विश्वास, उसी ने मुझे इस विधानसभा चुनाव में जिताया। किस प्रकार से जनता के बीच पहुंच रहे थे और अभी उसी का आशीर्वाद जैसे मिला है, क्या सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी आप? हमारी प्राथमिकता क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन का साधन, इन चीज़ों को और किसानों की जो सिंचाई की व्यवस्था है जो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। एक बार फिर खरगोनवासी नाव देखेंगे? बिल्कुल, अभी देख रहे हैं ना, नाव है और उसकी झलक तो दिख ही रही है। बाकी जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। बाकी नाव भी चल रही है कुंदा में, वो जो उसको दृश्य भी अच्छा दिखता है, जाइए रात को टहलने के लिए। लेकिन अभी उसमें बहुत काम रह गया, क्योंकि बीच में 5 वर्षों का ब्रेक आ गया था, लेकिन अब उसको पूरा करेंगे। मेडिकल उसको भ्रांतियाँ चल रही है, खरगोन में नहीं महेश्वर में बनेगा? मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन खरगोन में हो चुका है, इसलिए कोई उसमें भ्रांतियाँ नहीं है, वो कॉलेज का काम चालू हो जाएगा, बन जाएगा खरगोन में। दादा पहले सरकार में मंत्री थे, क्या इस बार भी मंत्री बनेगा? ये पार्टी तय करती है कि हम लोग क्या है, हम लोग तय नहीं करते, पार्टी तय करती है किसको क्या दायित्व देना, ये पार्टी का विषय। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए पूरी जनता को
और मेरी जीत के लिए मैं खरगोन की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने कार्यकर्ता उनको भी इस जीत की बधाई देता हूँ। उन सब सारी जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त इस चुनाव में सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी का, और ये भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत। निश्चित रूप से सारी योजनाएं जितने लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, विकास की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं का ही तो ये प्रसाद है जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को दी। इतने बड़े पैमाने पर 160 से ऊपर सीटें भाजपा की आ रही है और 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश में सरकार आ रही है, ये जनता का विश्वास ही तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी हों या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, ये जो बोलते हैं वो करते हैं, और इसलिए जनता इन पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का अटूट भरोसा है और इसका प्रमाण है ये चुनाव। 5 साल बाद फिर आप खरगोन की जनता ने मौका दिया है, कहना चाहेंगे मतदाताओं ने जिस प्रकार से फिर वापस आपको बनाया, पहले कांग्रेस में था बीजेपी में, बीजेपी में जीत आपके लिए क्या कहना चाहिए? मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, जनता का पूरा सहयोग और पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी और मुझ पर था, इसका पूरा श्रेय मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को और पूरी जनता को देना चाहता हूँ। लाडली बहना योजना का लाभ मिला आपको? बिल्कुल, इस पूरी जीत में सबसे बड़ा अगर किसी की अहम भूमिका है तो लाडली बहनों की है। शिवराज जी की लाडली बहना योजना का इफेक्ट पूरे प्रदेश में रहा और इस पूरी जीत का श्रेय शिवराज जी को जाता है। प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बनी, किस प्रकार से उत्साह है? खूब उत्साह है, पूरा प्रदेश बड़ा खुश है और मैं समझता हूँ एक विकासशील, उन्नतशील और प्रदेश को और आगे ले जाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापस बैठ रही है। आप सबको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीतने के बाद में सबसे पहले विकास ही हमारी प्राथमिकता है, संपूर्ण गाँव का और दोनों शहरों का विकास करना और मूलभूत आवश्यकताएं जो भी है उन सबको पूरा करना भी हमारा पूरा पहली प्राथमिकता है। बड़गांव को जिला बनाने की पुरजोर जो है लोगों द्वारा मांग की जा रही, चुनाव में भी लगातार मांग की जा रही थी। बिल्कुल सही है, बड़गांव को जिला बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।